सो यहाँ पे वैसे मुझे लग नहीं रहा कि रिलायंस नीचे जाएगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिलायंस ने सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर जाएगा। सो हम ये स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कर ही लेता हूँ, अपना लॉस ले लेता हूँ। हेलो सर, मेरा नाम कुंदन है और आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं स्टॉक्स में। सो आज हम पूरा जीरोधा का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। जीरोधा बेस्ट ऐप है ट्रेडिंग के लिए, सो मेक श्योर कि आप इसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर आपके पास अकाउंट है तो अकाउंट खुलवा सकते हैं, डीमैट अकाउंट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। शॉर्ट सेलिंग, अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है आज में भी कोई न्यूज़ की वजह से, या फिर ऐसे आप मे भी आपको ऐसे चार्ट ट्रेडिंग आता है, टेक्निकल एनालिसिस आता है, सो उस तरह से आप मे भी आपका जो भी मेथड है पता करने का आप उसको करके आप देखते हैं कैसे करते हैं शॉर्ट सेलिंग। हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, कोई भी बेसिक स्टॉक उठाएंगे, लेट्स से टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स में आज हम शॉर्ट सेलिंग करने वाले हैं। शॉर्ट सेलिंग मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स का प्राइस अभी 432 चल रहा है। टाटा मोटर्स का प्राइस अभी 432 चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये मे बी 425 या फिर 420 पे जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट करेंगे, यानी पहले बेचेंगे फिर बाद में बाई कर लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं कैसे करते हैं इसको। सो सबसे पहले हम टाटा मोटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पे अभी हमें इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, मार्केट डेप्थ ये सब। सो इस पर नहीं करना, हमें सेल पे क्लिक करना है। सो आप हमें सेल पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे जो ये देखो, आपको ये आसानी से बहुत आसान है समझना है इसको, अगर ध्यान से समझोगे तो रेगुलर कवर एमओ और आइसबर्ग, ये स्टार्टिंग में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सो ये तीनों बकवास है, कवर ऑर्डर बकवास है, एमओ ऑर्डर बकवास है, आइसबर्ग ऑर्डर बकवास है, ये किसी काम का नहीं है आपके लिए। रेगुलर ऑर्डर ही हमेशा को रखना है। क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है, आपको क्वांटिटी अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। अगर अभी टाटा मोटर्स का प्राइस 432 चल रहा है और मैं यहाँ पर करता हूँ 100 क्वांटिटी, सो अगर ये 1 रुपया बढ़ेगा टाटा मोटर्स तो मुझे 100 रुपये का नुकसान होगा एक्चुअली में, क्योंकि मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ। सो मुझे 1 रुपया, तो उस हिसाब से आपको ये क्वांटिटी एडजस्ट करना है। और मैं एक और शॉर्ट सेलिंग का बता दूंगी कि शॉर्ट सेलिंग स्टॉक कितना भी बढ़ सकता है, क्योंकि ऊपर की कोई लिमिट नहीं होती है, नीचे की लिमिट होती है। सो अगर आप शॉर्ट सेलिंग करें तो मेक श्योर कि आपके सावधान रहें एंड जो भी आपके मेथड है उस पर रिलाई करें। सो हम यहाँ पर अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं कोई चार्ट नहीं देख रहा हूँ। सो अगर मैं इसको चार्ट देखूँ, सो यहाँ पर अगर चार्ट देखा जाए, मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस करूँ, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है, वैसे तो मुझे यहाँ पर ये जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बुलिश जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए शॉर्ट करता हूँ। सो लेट्स से इसको हम ऐसे करेंगे क्लिक, इसको करते हैं शॉर्ट, यहाँ पे करते हैं क्वांटिटी, मैं कितना क्वांटिटी करूँ, मैं यहाँ पे लेट्स से 10 क्वांटिटीज कर देता हूँ। तो अगर 1 रुपये ऊपर बढ़ेगा तो 10 रुपये का फ़ायदा, अगर 1 रुपये नीचे गिरेगा तो 10 रुपये का नुकसान होगा। सो मेक श्योर कि आप ये ध्यान रखें। प्रोडक्ट में आपको रखना है, प्राइस के बारे में आगे बात डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे है प्रोडक्ट, तो हम इंट्राडे कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते, या आप लॉन्ग टर्म में अगर मैं स्वाइप करूँगा सो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये होल्डिंग है ही नहीं, ये मेरे पास नहीं है होल्डिंग में। सो हम इसको इंट्राडे करेंगे। सो अब मेक श्योर कि हमेशा इंट्राडे पे क्लिक करें। सो इंट्राडे में क्लिक करेंगे तभी ये होगा। सो अब समझ गए ना, ये लॉन्ग टर्म है कि अगर हम इसको अगले दिन कैश एंड कैरी होता है CNC का मतलब, और MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी कि मुझे ये 3 बजे से पहले इसको एग्जिट करना पड़ेगा। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं, आगे मैं बताऊँगा कैसे इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं। सो थोड़ा वेट कीजिए। मार्केट टाइप ऑफ मार्केट में यहाँ पे अगर देखो, टाइप्स पूछ रहा है कि कौन सा है मार्केट, लिमिट, SL और SLM। ये SL और SLM अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो हमारे काम का भी सिर्फ मार्केट है और लिमिट है। SL SLM उसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, कैसे उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। सो अभी हम मार्केट ही रखेंगे। मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्राइस चल रहा है, 432 चल रहा है, सो अगर मैं इसको स्वाइप करता हूँ तो एकदम जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है एकदम करंट उसी पर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मुझे 432 पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा दाम पे बेचना है, क्योंकि ज़्यादा दाम पे बेचेंगे फिर बाई करेंगे। सो मुझे यहाँ पे 433 पे करना है। सो वो होता है लिमिट ऑर्डर, यानी कि अगर मैं 433 पे स्वाइप करता हूँ सो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर होगा अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्टॉक 433 को टच करेगा, यानी कि जैसे ही स्टॉक 433 पे आएगा दोस्तों, सो हमारा वो जो ऑर्डर पेंडिंग में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपके लिए इसको मॉडिफाई करता हूँ और हम यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ही करेंगे। सो हम यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ही करेंगे। पहले इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ फिर से आपको अच्छे से समझाने के लिए। सो इस तरह से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको भी बाद में समझाऊंगा। सो यहाँ पे हम फिर से आते हैं, फिर से हम क्वांटिटी 10 रखते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा अभी मैंने कोई चार्ट नहीं देखा है, सो मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पर मार्केट रखते हैं और यहाँ पर हम स्वाइप, अब ये मोड पर क्लिक करोगे तो ये वैलिडिटी है, डे, ये सब बकवास है, ये सब अगेन बकवास है। सो अगेन इसको आपको नहीं यूज़ करना है। सो मैं स्वाइप कर रहा हूँ, स्वाइप टू सेल।
सो हमने सेल कर दिया दोस्तों। अभी हम पोजीशन में जाएंगे, सो हमें ये दिखेगा, देखो यहाँ पे हमारे पोजीशन में दिख रहा है जो भी आपका लाइव प्रॉफिट लॉस होगा। सो हमने 432.5 पैसा पे एग्जीक्यूट किया है 10 क्वांटिटी। अगर ये 433 पे जाता है टाटा मोटर्स तो मुझे 10 रुपये का नुकसान होगा, 431 पे जाता है 10 रुपये का फ़ायदा होगा। सो आप समझ गए, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखो अभी हमारा पोजीशन में है, अगर आप चाहें तो इसको और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे ना इसमें टारगेट लगाना है। टारगेट कैसे लगाते हैं शॉर्ट सेलिंग में? अब शॉर्ट सेलिंग में टारगेट लगा रहे हैं यानी कि हम नीचे टारगेट लगाएंगे, यानी कि अगर 432 पे चल रहा है तो हमारा टारगेट नीचे होगा, यानी 430, 428, 425। सो टारगेट कैसे लगाते हैं और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि टारगेट से पहले आपको स्टॉप लॉस माइंड में होना चाहिए अगर आप इंट्रा डे ट्रेडिंग करने वाले हैं। सो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप इंट्रा डे या भी कोई भी ट्रेडिंग, तो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सो अगर मैं 432 पे मैंने ऑर्डर शॉर्ट सेल किया तो मेरा स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर होगा शॉर्ट सेलिंग साइड में। सो 435 का स्टॉप लॉस लगाना मुझे, कि जैसे ही 435 पे जाएगा उसके ऊपर मेरा स्टॉक अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। सो चलिए स्टॉप लॉस लगाते हैं इंट्रा डे शॉर्ट सेलिंग में। सो हम ऐसे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगर एग्जिट कर रहे हैं तो हम बाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं मतलब। सो हमेशा ये बाई होगा क्योंकि हमने पहले शॉर्ट सेल किया, तो हमेशा ये बाई की तरफ होगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन है, एक तो है मार्केट ऑर्डर में, अभी अगर मैं मार्केट ऑर्डर पे ऐसे एग्जीक्यूट करूँ तो एकदम राइट, दम राइट नाउ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना कोई देरी के। लिमिट हमेशा टारगेट के लिए यूज़ करते हैं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। लिमिट पे अगर आप करोगे तो ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो लिमिट आपको नहीं करना, आपको ये एक ये करना है SLM ऑर्डर करना है, ये करना है दोस्तों, स्टॉप लॉस एट मार्केट ऑर्डर, इसको इसी बोलते हैं। SL को थोड़ा मैं बाद में समझाऊंगा। सो आपको SLM पे क्लिक करना है और यहाँ पे 435 करना है, 435 0.1 कर देना है ताकि आपका स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो। सो 435 आप समझ गए, और इस तरह से हम स्वाइप टू सेल कर देंगे। सो हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, स्टॉप लॉस लग चुका है। सो जैसे ही ये स्टॉक 435 के ऊपर जाएगा तो ये अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, हम लॉस से, भारी लॉस से बच जाएंगे, यानी 440 पे हम जा नहीं सकता ये। सो ये देखो हमारा ये ऑर्डर पेंडिंग में है, ट्रिगर होने के लिए वेटिंग पे है, कि जैसे ही 435 पे आएगा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम भारी लॉस से बच जाएंगे। सो आप हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करें। अब मैं बात करता हूँ कि टारगेट कैसे लगाते हैं। सो मान लीजिए आप पूरा दिन देख नहीं सकते, आपको टारगेट लगाना है। सो चलिए टारगेट लगाते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से एग्जिट पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यूज़ करेंगे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर हमेशा टारगेट के लिए यूज़ करते हैं अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो। सो लिमिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मुझे कौन 432 पे शॉर्ट सेल किया है, सो मुझे 428 पे निकलना है। सो यहाँ पे 28 पे यानी कि चार पॉइंट्स हमें मिलेगा, हमारा टारगेट है 428, मुझे लग रहा है कि 428 पे जाएगा। सो इस तरह से हम टारगेट सेट करने वाले हैं। सो हमने टारगेट ऐसे सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने दो ऑर्डर पेंडिंग में है, एक है मेरा स्टॉप लॉस यानी जो ट्रिगर है, यानी कि अगर 435 पे जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और हम एग्जिट कर लेंगे। अगर ये हमारा टाटा मोटर्स 428 पे जाएगा तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और फिर हमको ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है इसको कैंसिल करना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये स्टॉप लॉस और टारगेट समझ में आया कैसे लगाते हैं। अब ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है क्योंकि ये हमने दो बहुत दूर दूर लगाया है। सो वेट करेंगे, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते, मुझे वीडियो ख़त्म करना है। सो मैं क्या करूँगा ना, सो इस तरह से आप समझ गए ना, सो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको तुरंत एग्जिट कर दूँगा। तो सबसे पहले एग्जिट करने से पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कैंसिल करूँगा। मेक श्योर कि हमेशा ऑर्डर कैंसिल करना याद रखें वरना बाद में एग्जीक्यूट हो जाता है। सो मैं क्या करूँगा, टाटा मोटर्स में एग्जिट कर रहा हूँ राइट एट द मार्केट प्राइस। सो यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हम वापस बाई कर लेंगे, यानी कि हमने एग्जिट कर दिया, यानी कि जो पहले शॉर्ट्स जो पहले हमने ऑर्डर किया था उसको वापस हम स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, इसको स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं। सो यहाँ पे आप मार्केट पे ही रखें, लिमिट ऑर्डर ना करें, मार्केट पे रखें और इस तरह से हम एग्जिट कर रहे हैं। सो हमने एग्जिट कर लिया अपने शॉर्ट सेलिंग से और हमारा यहाँ पे 2 रुपये का नुकसान हुआ। और भी कुछ चार्जेस होते हैं जिनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा चार्जेस कैसे होते हैं। सो आप मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगेन एक स्टॉक देख लेते हैं एग्जांपल के लिए ताकि आप और अच्छे समझ में आ जाए। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम रिलायंस को शॉर्ट करेंगे दोस्तों, और इसको टाटा मोटर्स को डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप वॉच लिस्ट बनाना सीख सकते हैं। सो इस बार हम क्या करेंगे, रिलायंस को शॉर्ट करने वाले। रिलायंस अभी चल रहा है 2680 पे। मुझे लग रहा है कि रिलायंस में भी मैंने ऐसा कोई चार्ट देखा या फिर कोई न्यूज़ में आया कि कोई बोल रहा है, आपको कहीं से टिप आया, स्टार्टिंग में लोग टिप्स लेते हैं। सो अब ये
स्टार्टिंग की गलतियाँ ना करें, ऐसे चार्ट एनालिसिस सीखें। अगर आप चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे वैसे मुझे लग नहीं रहा कि रिलायंस नीचे जाएगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिलायंस ने सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर जाएगा। सो हम इस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कर ही लेता हूँ, अपना लॉस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर भी लग रहा है। सो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे रिलायंस को। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि रिलायंस नीचे जाएगा। शॉर्ट सेल मतलब मेरा व्यू नीचे होना चाहिए, यानी रिलायंस गिरना चाहिए। अंबानी मतलब मुकेश अंबानी का स्टॉक गिरना चाहिए। सो ओके, रिलायंस में शॉर्ट सेलिंग का करने का मतलब मुझे मेरा व्यू है कि रिलायंस गिरना चाहिए। सो चलिए दोस्तों इसको करते हैं शॉर्ट। सो हम यहाँ पे क्वांटिटी, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना क्वांटिटी मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलायंस का प्राइस है वो थोड़ा सा टिकर प्राइस ज़्यादा है, यानी अगर यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता है तो यहाँ पे मैं 5 क्वांटिटी करूँगा। सो अगर रिलायंस 10 रुपया मूव करता है तो यानी मेरे को 5 मतलब 10 रुपया मूव करता है यानी 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर वो मेरे अपोजिट साइड में, यानी रिलायंस में शॉर्ट सेलिंग का करने का मतलब मुझे मेरा व्यू है कि रिलायंस गिरना चाहिए। सो चलिए दोस्तों इसको करते हैं शॉर्ट। सो हम यहाँ पे क्वांटिटी, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना क्वांटिटी मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलायंस का प्राइस है वो थोड़ा सा टिकर प्राइस ज़्यादा है, यानी अगर यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता है तो यहाँ पे मैं 5 क्वांटिटी करूँगा। सो अगर रिलायंस 10 रुपया मूव करता है तो यानी मेरे को 5 मतलब 10 रुपया मूव करता है यानी 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर वो मेरे अपोजिट साइड में यानी कि ऊपर बढ़ता है 5 रुपया, सो मेरा 50 रुपया लॉस होगा, यानी कि रिलायंस गिरना चाहिए। सो हम यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, लिमिट ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मेरे को ना, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे जब कोई एग्जीक्यूट करोगे ना आप यहाँ पे, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करोगे कोई ऑर्डर, सो क्या होता है ना कि वो कभी यहाँ पे मान लो प्राइस चल रहा है 2680, लेकिन एग्जीक्यूट होगा 2675 पे, इसलिए हम लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हैं। सो इसलिए मैं एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था। सो यहाँ पे मेरे को ना 2680 पे एग्जीक्यूट करना है, मतलब जहाँ जिस प्राइस पे मैं डालूंगा उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, और कोई प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे एग्जीक्यूट। सो हम देखो, अब यहाँ अगर ऑर्डर बुक पे जाएंगे तो एकदम उसी प्राइस पे, यानी कि दम 2680 पे ही ना, इधर 1 रुपया ना 1 रुपया उधर, सेम प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ होगा। सो इस तरह से लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम वापस पोजीशन में आएंगे तो देखो हमारा रिलायंस। सो अगर यहाँ पर रिलायंस 10 रुपया नीचे गिरेगा तो मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर 50 रुपये नीचे गिरेगा तो मुझे 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये लाइव पैनल आपको जीरोधा में दिख जाएगा। जीरोधा बेस्ट ब्रोकर है। सो मेक श्योर आप इसी के साथ अकाउंट खुलाएं। अब मेरे को ना एग्जिट करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना। अब हम इसको एग्जिट करेंगे। यहाँ पे और अभी और आप ऐड कर सकते हो, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि और आपका कन्विक्शन बढ़ गया रिलायंस में कि और गिरेगा, सो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे इस बार सेम रखेंगे, और इस बार मार्केट ऑर्डर हमेशा फास्ट मूवमेंट का, यानी तुरंत आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, हमेशा मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। सो मैं यहाँ पे मैं लेट से 5 क्वांटिटीज और ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक मार्जिन भी समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है, यानी अगर रिलायंस को शॉर्ट करने के मेरे को 10,000 चाहिए था, 26x5 इतना मान लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ना 2600 ही पे करना पड़ेगा, मे बी 5 गुना कम। सो शॉर्ट सेलिंग में आपको मार्जिन मिलता है। और मेक श्योर करें कि इसको आपको अगर 12:30 हो रहा है तो ये 3:20 से पहले इसको आपको बेचना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, आप लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, वरना जीरोधा आपको 60 रुपया चार्ज मारेगा ऑटो स्क्वायर ऑफ का, यानी जीरोधा आपका ऑर्डर खुद से स्क्वायर ऑफ कर देगा, भले आप लॉस में हो या प्रॉफिट में, और उसके 60 रुपया चार्जेस लेता है। सो हमने और क्वांटिटी ऐड कर लिया। अब हमारे पास 10 है, यानी अगर रिलायंस 10 रुपये यहाँ से नीचे गिरता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। सो इसी को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, और 10 रुपये ऊपर बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा। खैर रिलायंस अभी कहीं नहीं जा रहा है, सो हम यहाँ पे इसको एग्जिट करेंगे। सो मैंने आपको समझा दिया। सो यहाँ पे अब एसएल भी समझा देता हूँ। एसएल क्या होता है ये भी समझा देता हूँ, जब इतना हम कर लिया तो वैसे स्टॉप लॉस कहीं एक वीडियो में पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एसएल क्या होता है कि हम पर्टिकुलर प्राइस पे एकदम निकलेंगे, जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस डाला है उसी प्राइस पे निकलेंगे। सो यहाँ पे पहले आप ट्रिगर लगा दो कि कहाँ से, मतलब जैसे ही स्टॉक 2679 को टच करेगा हमारा ऑर्डर रेडी होगा एग्जीक्यूट होने के लिए, और जैसे ही हमारा ऑर्डर रेडी होगा एग्जीक्यूट करने के लिए, सो ये आपको प्राइस लगाना है उसी के आसपास, यानी कि 79.5 ऐसे आप कर सकते हैं। सो इस तरह से आप ट्रिगर प्राइस शुड मतलब नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम ये जो हमारा टिकर प्राइस है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। सो मे बी हम इसको ऐसे 5.5 कर सकते हैं और इसको 5 कर सकते हैं। सो ये एकदम सेम ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करने के लिए।
प्राइस शुड बी बिगर देन ट्रिगर प्राइस। अच्छा प्राइस अभी भी अच्छा प्राइस ऊपर चला गया, यानी दोस्तों मुझे लॉस हुआ होगा आपके समझाने के चक्कर में, मुझे अराउंड 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। सो कोई बात नहीं, हम ऐसे वेट नहीं करेंगे, वो बाद में किसी वीडियो में समझाऊंगा। तो इस तरह से हम एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब इतना लॉस ले लिया तो चलो समझा ही देता हूँ। एसएल, सो एसएल पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम प्राइस करेंगे, हाँ सेम प्राइस पे मुझे एग्जिट करना है। एंड यहाँ पे ट्रिगर करेंगे 2685.5। सो यहाँ पे जैसे 2685 पॉइंट उसके आसपास आएगा मेरा ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पे इस ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ऐसे स्वाइप करेंगे। सो अब यहाँ पे अगर मैं अपने स्टॉप लॉस हिट होने का वेट कर रहा हूँ दोस्तों, सो आप भी मेरे साथ वेट कर सकते हैं। एंड चलिए देखते हैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जिट करना, एग्जिट मतलब वेट कर रहा हूँ अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होने का। सो आई थिंक ये हिट हुआ कि नहीं, चलिए पहले चार्ट देख लेते हैं। अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस सीखना है, मैंने पहले भी बोला था कि मुझे रिलायंस ऊपर लग रहा है जाने का, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए शॉर्ट सेल किया है समझाने के लिए, सो इट्स ओके। सो अगर आप मुझे कैसे पता चला कि मैं ये रिलायंस ऊपर जाने वाला है, मेरे को ये बस सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है। सो यहाँ पे हमारा शायद ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, ये देखो हमारा ऑर्डर एकदम सेम प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ होगा जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस डाला था। सो इस तरह से आपके लिए मैंने 60 रुपये का लॉस लिया, मे बी 40 रुपये ब्रोकरेज, सो 100 रुपीज़ लॉस, बट कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया ना कि कैसे करते हैं। सो पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। एंड अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस सीखना है कि मुझे कैसे पता चला कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है, सो मे बी यहाँ पे इसने ऐसा सपोर्ट से बाउंस कर रहा था। सो अगर आपको चार्ट रीडिंग सीखना तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरा सिखाता हूँ मैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग सब में कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड बिटकॉइन सब क्रिप्टो में। सो सो आई होप आपको समझ में आएगा कि दोस्तों कैसे शॉर्ट सेल करते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे एसएल लिमिट यूज़ करते हैं, एसएलएम एट मार्केट ऑर्डर यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए हैप्पी ट्रेडिंग करियर, बाय।